सावन का दूसरा सोमवार है, जहां सावन के पूरे महाशिवालयों में जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं एक शिव मंदिर ऐसा भी है जिसका पुराणों में उल्लेख किया गया है, मगर इसके बावजूद धार्मिक पर्यटक स्थल से ये मंदिर कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तारा कुंड की, जो चुनिंदा शिवालयों में अपना स्थान तो रखता है, लेकिन ये शिवालय सावन के महीने में भी सुना पड़ा है। ताराकुंड के आचार्य राजा जी ने बताया कि ताराकुंड में बाली की धर्मपत्नी तारा ने शिव की घोर आराधना की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ताराकुंड पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। पौड़ी से मुकेश बछेटी की रिपोर्ट। प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम क्षेत्र में किए हैं और दूसरी बार विधायक बन के जा रखे हैं क्षेत्र से, तो इस मंदिर का भी संज्ञान लें और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी होगी और धार्मिक स्थल भी होगा, जिससे हमारा ये धार्मिक स्थल भी उत्तराखंड देवभूमि में सम्मिलित हो सके। सावन में सोमवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, तो हमें बिल्कुल हमें अंदर से पानी निकालना पड़ता है, इतनी ऐसी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। यात्रीगण बहुत आते हैं, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसी है समिति भी डामाडोल स्थिति कर रही, केवल नाम की समिति बनी हुई है।